राज्यसभा में आज एक बार फिर दलितों के उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस मुद्दे को उठाते हुए मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में दलितों और मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के साथ दलितों को भी सताया जा रहा है। पीएम मोदी के मंत्री जहर उगल रहे हैं, ऐसे में पीएम अपने मंत्रियों पर लगाम क्यों नहीं लगाते। इसी के साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग की है। मायावती ने कहा कि पीएम को सदन में इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। ऊना, मंदसौर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में गौ रक्षा के नाम पर जो कुछ हुआ वो वाकई शर्मनाक है, लेकिन उन मुद्दों पर जिस तरह से सियासी रोटियां सेकी जा रही है वो भी सही नहीं है। देश में ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। देखते रहिए टीवी लाइव।